शब्द नहीं है मेरे पास कुछ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कल जब उसको देखा, उसकी कंडीशन देखी, तो मुझे भगवान से भी पूछ रही थी, भगवान इतनी कम उम्र में उसके साथ ऐसे क्यों किया, उसके छोटे छोटे बच्चे, भगवान ने बहुत बुरा किया उसके साथ। याद में परफॉर्मेंस दी है और सबका मन जीता है अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन आज गीता उनियाल का जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग आज श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और जो बन पड़ेगा उसके लिए एक आर्थिक, यहाँ पर सारे कलाकार क्योंकि छोटी बच्ची और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके घर पे, तो उसके लिए भी एकत्रित हुए। और गीता उनियाल महान कलाकार थी, संभव होता है ऐसी कलाकार की पूर्ति होना निकट में तो मुझे नहीं प्रतीत होता। ये जरूर बोलना चाहूँगी कि जितनी घोषणाएं यहाँ पर हुई है ना, तो कृपया करके इन घोषणाओं को सही कहिएगा, क्योंकि उनकी बेटी है। बहुत सी शोक सभा होती है, बहुत बार की गई है, हमारे आर्टिस्ट आज ये एक ही नहीं पहले भी बहुत गए, हमेशा शोक सभा हुई है, हमेशा ये नीति नियम लागू हुए, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। हम ये नहीं चाहते कि आज उनको 4-5 लाख मिल जाए, मैं ये चाहती हूँ कि उनकी बेटी के लिए जो बोला गया है ना, वो आगे भी काम आए। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना, थैंक यू। किसी को बुला पाना इतना मुश्किल हो रहा है, विश्वास करना इतना मुश्किल हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस बारे में कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं, वो हमारे बीच सब चले गए, अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी वो हो गई, उत्तराखंड की इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है, बहुत बड़ी। बड़े भावुक मन से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये एक बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड कला जगत को है और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। भगवान पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये वो कमी है जिस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इनके योगदान को और इन्होंने जो उत्तराखंड जगत को नए आयामों पे, कला जगत को नए आयामों पे पहुंचाने का काम किया है, बाकी ये सब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गीता उनियाल की श्रद्धांजलि सभा है आज और तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं, अलग अलग जगह से वो फिल्म जगत के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो गीता के साथ काम कर चुके हैं और काफ़ी समय से उनको जानते थे। मैं जानता हूं उनका, एक वीडियो मैंने देखा था कि हॉस्पिटल में जब हूं मैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई फिल्म चल रही है और उसमें मेरा किरदार जो है वो बीमारी का है, और आज लग रहा है कि वो बीमारी का किरदार ऐसा लगता है कि शायद वो किरदार को यहीं पर अंत होना हो। यकीनन मैं जब कल विकास जी से बात करता मेरी आँखों में आंसू आ गए थे, समझ नहीं आ रहा था कैसे, पर आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं गीता से। गीता उनियाल जो है वो पूरे उत्तराखंड में उसने अपना नाम इतना बना लिया था, मतलब पूरी दुनिया में, मतलब एक शोक सी लहर की हो गई। किसी को बुला पाना इतना मुश्किल हो रहा है, विश्वास करना इतना मुश्किल हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस बारे में कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं, वो हमारे बीच सब चले गए, अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी हो गई, उत्तराखंड की इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, बहुत बड़ी क्षति। शब्द नहीं है मेरे पास कुछ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कल जब उसको देखा, उसकी कंडीशन देखी, तो मुझे भगवान से भी पूछ रही थी, भगवान इतनी कम उम्र में उसके साथ ऐसे क्यों किया, उसके छोटे छोटे बच्चे, भगवान ने बहुत बुरा किया उसके साथ। बहुत हंसमुख थी, बहुत सपोर्ट करती थी, सब लोगों के साथ बहुत घुल मिल के रहती थी, मतलब भगवान को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए उसे इतनी कम उम्र में बुला लिया। बस और मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, पर ये श्रद्धांजलि शब्द है, आप ऐसा मत समझिएगा कि हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है, मतलब कलाकार के दो परिवार होते हैं, एक हम जितने कलाकार हैं, आज हमारे परिवार का एक इतना होनहार
अदाकार चली गई, जिसका हमें बहुत ही दुख है। और इतने कम उम्र में जाना, ये उनके बच्चों के लिए भी बहुत दुखदाई है, उनके पति के लिए भी बहुत दुखदाई है। तो मैं इंडस्ट्री के सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि कुछ ना कुछ काम हम विकास जी को देते रहें अपने साथ, ताकि उनकी घर गृहस्थी भी चलती रहे और उनका भी मन लगा रहे और अपने बच्चों का भी पालन पोषण वो करें। धन्यवाद। पौने 3 साल की छोटी बिटिया है और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आपने तो काम भी किया है गीता के साथ। हाँ, गीता ने मेरे साथ 2 फिल्में की, पहली 2019 में कन्यादान, और मुख्य भूमिका में थी वो गंगा लोहारन की, और अभी उसने जय धारी देवी, उसकी आखिरी फिल्म जय माँ धारी देवी थी वो मेरे साथ की उसने भी 2023 में, जो चल रही है अभी भी। और गीता जो है इतनी सेंसिटिव, इतनी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट थी कि आपको क्या बताऊँ मैं। गीता को सिर्फ एक बार बोलना पड़ता था, और वो बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट के बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जो आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन गीता कभी मुड़ के नहीं बोलती थी, और वो इतने उसके कैप्चर पावर इतनी अच्छी थी अभिनय के लिए। किसी की यादें हैं अपनी अपनी, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उनियाल का अचानक यूँ चले जाना हम सब के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है ये, और एक कलाकार जो अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया, और मेरे साथ तो इस लाइन में शुरुआत है उसकी, बहुत पहले से जब वो स्टार्टिंग में जब वो पढ़ा करती थी 12th से, मेरी जान पहचान थी गीता से। एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, और अपनी संस्कृति के लिए हमेशा आगे रहती थी, और आज अचानक हम सबको छोड़ के चली गई। भावुक हैं हम सब लोग, और हमें, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे कलाकारों के लिए कुछ इस तरीके का करें, जैसे आज उसके पीछे भी 2 बच्चे छूट गए हैं, तो सरकार कुछ इस ओर ध्यान दे कि हमारे संस्कृति के लिए जितने कलाकार लगे हुए हैं और जितना प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी उसकी ओर कुछ ना कुछ ध्यान दे, नहीं तो उन बच्चों का आगे भविष्य सोचनीय विषय है। बिल्कुल सही बात। तरुण भाई, बहुत बुरा लगा सच क्या, क्योंकि 2008 में मैंने गीता जी पहली फिल्म करी थी पीड़ा, उसमें उन्होंने मेरी सिस्टर का कैरेक्टर करा था, छोटी बहन का, और उसके बाद ये खैरी का दिन जो हमेशा आप साथ रहे, देखा पब्लिक ने, देखा बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, कभी लगा ही नहीं कि एक बड़ी आर्टिस्ट हैं, और शायद मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद जिनको पता चला कैंसर है, तो मैंने कहा कि गीता कुछ दिन रेस्ट करो, लेकिन आपने देखा कि हर बार हॉल पे खड़ा होना, पिक्चर जहाँ भी फिल्म लगती थी, मतलब इतना जुनून था कि अगर कोई सीखे कि वाक्य में एक मंजिल पाना, मुकाम पाना कैसे होता, तो वो गीता जी थी। कि जुनून इतना ज़्यादा था कि कैंसर में कई बार होता दर्द हो रहा, नहीं खड़ा, मैं कहा तुम क्यों आ रहे हो भाई घर से, कहते नहीं नहीं हॉल पर चलना, थोड़ी देर चलते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा कैंसर ठीक हुआ बीच में, फिर एक फिल्म हमने और करी जय माँ धारी देवी, उसमें भी वो 10-15 दिन रही, लेकिन एंड वाले जो कुछ सीन वगैरह थे तो बैठा नहीं जा रहा था उनसे, मैं तब भी कहा, मैंने कहा यार छोड़ दो आप घर चले जाओ, कहती नहीं फिल्म तो करूँगी मैं। मतलब वो जुनून मेरे ख्याल से मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, 25 साल का पीरियड मुझे भी काम करते करते हो गया, और सच में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारी इंडस्ट्री के लिए। गीता उनियाल का इस दुनिया से जाना बहुत दुखद है, खासकर हमारी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए और उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए। गीता का जैसा व्यक्तित्व था, जिस तरह की वो थी, आज उसका ये व्यक्तित्व है कि जितने लोग उसको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। गीता उनियाल का मैं क्या बोलूँ, जब भी मैं उससे बात करती थी, मैं हमेशा बोलती थी कि जैसे उसको जिस तरह की इतनी गंभीर बीमारी थी, उसके बावजूद भी, वो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में किस तरह से कीमो के लिए जा रही है, उसमें भी अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड करती थी, मैं उसको बोलती थी कि तू ऐसे कर, कहती दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव रहती थी, और जब भी मिलती इतनी हम्बल थी, जब भी मिलती थी, क्योंकि उसने शुरुआत जब इस इंडस्ट्री में मेरे गाने से करी थी, तो हमेशा जब भी मिलती थी अभी तक ये बोलती थी, दीदी आपके, आपका पहला सॉन्ग था जिसमें मैंने परफॉर्म किया, और आज देखो मैं कहाँ पे हूँ, तो ये आशीर्वाद है। मैंने कहा बेटा ये आपकी मेहनत है। उसके जाने से, मतलब ये सोचो कि 3 दिन से उसका फेस जो अभी भी सोशल मीडिया में जिस तरह के उसके वीडियोज़ चल रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही, वही आँखों के आगे तैर रहे हैं, और आज उसकी जो अभी यहाँ पर फ़ोटो देखी, ऐसा लग रहा है कि अभी शाम बोल देगी, तो कुछ मैं बता नहीं सकी, शब्द भी नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूँ, बहुत पूरे सभी लोग, बहुत कलाकार सभी दुखी हैं उसके जाने से। मैं चाहूँगी ईश्वर अपने श्री चरणों में उसको स्थान दे। हाँ, ये जरूर बोलना चाहूँगी कि जितनी घोषणाएं यहाँ पर हुई है ना, तो कृपया करके इन घोषणाओं को सही करिएगा, क्योंकि उनकी बेटी है। बहुत सी शोक सभा होती है,
बहुत बार की गई है। हमारे आर्टिस्ट आज ये एक ही नहीं, पहले भी बहुत गए, हमेशा शोक सभा हुई है, हमेशा ये नीति नियम लागू हुए, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। हम ये नहीं चाहते कि आज उनको 4-5 लाख मिल जाए, मैं ये चाहती हूँ कि उनकी बेटी के लिए जो बोला गया है ना वो आगे भी काम आए। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना, थैंक यू। बोलना चाहूँगा, दीदी ने अभी वही बात करी है, हम यहाँ पे मिलके यही बात कर रहे थे कि हर बार हमेशा चर्चाएँ होती हैं, यहाँ पे आके लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाकी घर जाते हैं 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ जैसे गरम गरम लोहे पे चोट मारी जाती है ना, अगर हम कोई बड़ा विधायक था यहाँ पे, उनसे आके अभी उनसे बोल देते कि आप अभी करिए। मुझे याद है ये एक मोमेंट, गीता उनियाल की एक पोस्ट थी फेसबुक पर कि उसके इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए, और उस टाइम मतलब आज बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग थे, लेकिन वाकई ये मैं दूसरी बार महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि नवीन सेमवाल जब गए थे उनके साथ भी यही सीन था और आज दूसरा हम ये देख रहे हैं। सर अभी कुछ समय पहले दीदी है हमारे, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, उस समय भी यही चर्चाएँ हुई थी, यही घोषणाएँ हुई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। आज तक उनसे पूछ लीजिए, एक भी अगर मिला होगा कुछ कहीं से, किसी का भी एक थोड़ा सा भी कुछ मिला हो, तो मेरी यही विनती है, मेरी ये हाथ जोड़ के भी विनती है आप लोगों से जितने भी देख रहे हैं, और अगर CM साहब तक ये वीडियो पहुंचता है तो मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को सीरियस लें, क्योंकि कलाकार यही ऐसे ही जाते रहेंगे, अगर ऐसे ही जाते रहे कलाकार तो आज के दिन कलाकार को पूछेगा ही नहीं कोई। आज तो कुछ इतने लोग आए थे, इतने लोग अगर कुछ करते भी हैं, लेकिन वो कब तक करेंगे? जब जिंदा रहे आदमी तब करने में फ़ायदा है, वो शायद और कुछ जीती कुछ और समय, क्योंकि मैं उनकी परिस्थिति देख रहा था लगातार किस तरह से उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद, बहुत ऊर्जा थी, ये बहुत अच्छी मित्र भी रही हैं, उनके साथ हमेशा रही हैं, इनको अधिक गम पता हो कि मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करा है औरों की तरह कि हमने ये किया वो किया, साथ जितना दिया है वो भगवान जानता है और दीदी जानती है, पर सबसे दुख मुझे उस बच्ची का है जिसको मैं खुद हॉस्पिटल से घर लेके आई थी, 3 दिन में वहाँ रही उनके साथ में, और वो सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ उस बच्ची पे ही था अभी तक कि ये इसका क्या होगा इसका क्या होगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर सोचना ही है तो उस बच्ची के लिए सरकार ज़रूर सोचे, सरकार भी सोचे, और हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे बीच के जितने भी लोग हैं हम कोशिश करेंगे, हमसे कोशिश ही हो पाएगी और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को, उनकी बच्चों की परवरिश अच्छी हो, उनके बच्चों का लालन पालन अच्छा हो, हमारा पूरा कलाकार परिवार, चाहे मैं कह रहा हूँ मैं खुद भी करूँगा, मैं अपने से शुरू, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है और कोशिश रहेगी इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा, ये रहेगा कि मैं मंथली कुछ ना कुछ करूँ, मैं इतना ज़रूर बोल, क्योंकि सर हमारे साथ दीदी ने इतने कार्यक्रम करे हैं, मैं घाट पे भी इसलिए भी नहीं जा पाया क्योंकि हमारी, मैं खुद भी गया, मैं सुबह विकास जी से बात हुई, मेरे को बना नहीं मैंने कि वहाँ पे जाके क्या होगा, मोमेंट समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं सर वहाँ नहीं जा पाया, मैं इसलिए भी नहीं जा पाया कि एक दिल से एक वो नहीं आ रहा मैं वहाँ पे जा पाऊँ, तो मैं आज इसलिए यहाँ पे आया और यहाँ पे बातें सुनी, तो मैं सिर्फ बीच से बोलने वाला था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि लोग फिर उल्टी बातें करते हैं बोलने के बाद। चलिए, परफॉर्मेंस भी है और सबका मन जीता है अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन गीता उनियाल का जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग आज श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, और जो बन पड़ेगा उसके लिए एक आर्थिक, यहाँ पर सारे कलाकार, क्योंकि छोटी बच्ची और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके घर पे, तो उसके लिए भी एकत्रित हुए, और गीता उनियाल महान कलाकार थी, संभव होता है ऐसी कलाकार की पूर्ति होना निकट में तो मुझे नहीं प्रतीत होता। एक तो सबसे पहले तो मैं, बहुत ही दुख की बात है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए आज, कि हमारे उत्तराखंड की बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेत्री गीता उनियाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए अपना बहुत सारा योगदान दिया, और उत्तराखंड की जो लोक धरोहर है, जो हमारे एल्बम्स और पिक्चर के माध्यम से उन्होंने अपना बहुत ही उम्दा कलाकारा के रूप में अपना योगदान दिया है, मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दें, इससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। बहुत दुख की घड़ी है, क्या बोले, हमारे उत्तराखंड से बहुत ही सुलझी हुई अभिनेत्री हमारे बीच में नहीं रही, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसके परिवार को ये दुख की घड़ी में, उनको ये दुख सहने की शक्ति दे, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ईश्वर उनकी रक्षा करे, हम लोगों से जितना भी हो सकेगा हम लोग सब उसके साथ हैं,
उसके परिवार के साथ हैं और क्या कहूँ, बहुत दुखद है। और गीता जैसा कि बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट, हर टाइप का रोल उस जो भी दोस्त को, और सबसे बड़ी खासियत बड़ा मुस्कुरा के, जितने उसने सेट शेड किए उतने उसने हैप्पी शेड भी उतने टॉप किए, बहुत ही अच्छे। और मेरा तो एक बात और भी उससे था कि जो वो हार्डली मेरे ख्याल 15 या 16 साल की थी उसने, तो पहला एल्बम हम लोगों ने साथ में किया था, वो उसमें डांस ग्रुप में थी वो, तो ये आपने रवि मंगवे जी ने करवाया था रिकॉर्ड में से लटुली, तो उसमें गीता आई थी। तो बहुत पुराने संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, दुखद है, बहुत दुखद है इससे। देखिए गीता जी के बारे में कुछ कहा जाए, आज स्थिति बहुत ज़्यादा थोड़ी गमगीन है। गीता जी एक बहुत ही एक हीरा जिससे बोलते हैं, वो डायमंड खोया उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री ने, और मैं उन्हें लगभग 2002 या 3 से जानता था, और उनके उन्होंने मैक्सिमम जो गाने किए, कुछ गीतों का संगीत मैंने किया, और वो बहुत ही एक दिल से बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और सब लोगों के साथ उनका एक बहुत ही एक ऐसा रिलेशन रहता था जैसे कि घर वाला, मेरे को हमेशा से भाई की तरह, मुझे हमेशा भाई बोलकर बुलाती थी, और इट वाज़ अ ग्रेट लॉस हम सब लोगों के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं ज़्यादा शब्द नहीं दे पाऊँगा, शांति। यादें तो ठीक है, मेरे साथ तो उसने 2-3 फिल्में की थी। सबसे बड़ी बात यह है त्रिभुवन भाई कि आज ठीक है हम लोग जो है भाव उसमें आके श्रद्धांजलि के रूप में, तो मतलब इस समय देखो उसके छोटे बच्चे हैं, और हम लोगों को कलाकार तो अब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है कलाकारों की, आज एक दूसरे का सहयोग के लिए मतलब कह रहे हैं कि भाई, और करना चाहिए है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तराखंड की जो हम लोग कहते हैं कि हम संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, हम कलाकार जो हैं संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? मतलब सरकार का मतलब ये रह गया है कि अपने 2-4 बच्चों को बुलाओ, माला डलवाओ अपने गले में, और हमारी संस्कृति जिंदा है साहब। अरे इसको देखो, जिस बच्ची ने अब 35-40 साल की उम्र में अपने 2.5 साल की बच्ची छोड़ दी है, अब मैं तो निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि सरकार अभी भी उत्तराखंड के कलाकारों के लिए, इवन कि मतलब जितने भी लोग इस विधा से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई अच्छा ठोस कदम उठाए। धन्यवाद। गीता के लिए ऐसा है कि गीता का जो फिल्मी सफ़र है वो हमारे साथ ही शुरू हुआ था, और मेरे ख्याल से दूसरी एल्बम में वो उसने हमारे साथ काम शुरू किया, कम से कम 5-6 साल 7 साल वो कंटिन्यू हमारे साथ चलती रही, और बहुत अच्छा रिलेशन था हम लोग का उसके साथ। और जब इसका इस बात का पता चला तो मतलब एक धक्का सा लगा है कि इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे स्वभाव की लड़की एकदम सबको छोड़ के चले गई। हालांकि उसको बीमारी थी, रिकवर भी कर लिया था उसने, लेकिन फिर हालात को कौन रोक सकता है। बहुत ही दुखद है, इंडस्ट्री के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसका जो पति है, बहुत मतलब मैंने उसको अक्सर देखा है कि अपने पत्नी के प्रति बहुत ही लगन से लगा रहता था, वो चाहे बीमारी में खर्च करा हो, उसने कुछ भी किया। हाँ, मेरे साथ में वो एक तो फिल्म की थी हमने पहली, जब उसको भूलिए भूली में, तो उसमें मैंने नरेश खन्ना जी से बोला था कि इनको लेते हैं, तो भूली भूली में काम किया उन्होंने, और उसके बाद फिर माधव सिंह भंडारी में करीबन 8 प्ले उसने मेरे साथ में किए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रस्तुतियाँ रही और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए। और गीता उनियाल जी सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थी, जो हमारी संस्था है पर्वत्य नाट्यमंच, वो एक कलाकार नहीं, उसके साथ भी वो एक सलाहकार के रूप में कि सर यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस ढंग से करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, तो एक एक अच्छे कलाकार के साथ होने के नाते एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। तो इस बात को लेकर तो बहुत दुख है कि उनकी जो भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो हमारे सामने एक और की नेक्स्ट अगर हम शो करने जाए तो उदिना कौन, ये हमारे सामने है अभी। लेकिन एक उनका हमेशा एक बात कहती कि सर हम लोग पूरी इंडस्ट्री वाले, हम लोग पूरे रंगमंच वाले एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पा रहे, कई लोग प्रयास भी कर रहे थे, तो हम लोग ने भी इस टाइम प्रयास किया था कि उसी की बात को मद्देनजर रखते हुए तो आज पूरी इंडस्ट्री एक साथ में। क्या लग रहा है जो वादे हुए हैं वो पूरे हो पाएंगे सरकार? बिल्कुल बिल्कुल सरकार करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने इस बात को रखा था तो सरकार ने उसमें पूरा कोऑपरेशन किया था, और फिर पुनः जो है क्योंकि अभी स्थिति कुछ और है, तो अभी हमें पूरा होप है कि सरकार इसमें जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगी। जिस प्रकार से
हमारे उत्तराखंड की इस फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री, और मैं समझता हूँ जिनके लिए कि आज पूरा प्रदेश और आया है सो जाएगा, क्योंकि आना जाना तो ये संसार का नियम है, लेकिन इस महान शख्सियत ने, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की बेटी थी और जिस उम्दा कलाकारी से इसने अभिनय किया पूरे अपने उत्तराखंड को, और आज पूरा प्रदेश नम आंखों से आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है इस बहन के लिए और इस पुण्य आत्मा के लिए। आज पूरा गढ़वाल जहां रो रहा है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में जिस प्रकार से इसने अपने कला का अभिनय किया, निसंदेह वो याद रहने लायक है, अविस्मरणीय है और हमेशा याद किया जाएगा इस महान शख्सियत को। बहुत अल्प आयु में, बहुत कम समय में कैसा इसने अपना अभिनय हमारे सबके बीच रखा, और आज इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सभी फिल्म जगत, उत्तराखंड के सभी संगीत कलाकार, सभी लोग यहाँ पर आए, हमें भी आने का सौभाग्य मिला और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और हम इसके जो छोटे छोटे बच्चे छूटे हैं, उनका परिवार है, उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको भी शक्ति सामर्थ्य मिले। नमस्कार, मैं सुंदर सलानी। गीता एक जिंदा दिल कलाकार थे, वेन जो छा बहुत पहले 2002 बेटी अपू सफर शुरू करी थे, मेरी कई एल्बम में काम करी और सहृदय बहुत जन कोई गीत होनो छे तो वे गीत का अगर हमारा बात कोई रिटेक हो गया कुछ होगी तो वे तो बोलते कि यह नहीं बल्कि यह करा अपन टाइम दिन थे और पैसों कुछ लालच नहीं होने थे, कभी भी हमेशा अपना काम पर लगी रहन थे और कैंसर में बीमारी के दौरान भी वे बहुत पिक्चरों में काम करे। मैं भगवान से ये प्रार्थना कर दूँ कि उनकी आत्मा तक शांति मिलो। धन्यवाद। बड़े भावुक मन से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये एक बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड कला जगत को है और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और ये वो कमी है जिस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इनके योगदान को और इन्होंने जो उत्तराखंड जगत को, नए आयामों पे कला जगत को नए आयामों पे पहुंचाने का काम किया है, बाकी ये सब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पहले तो गीता उनियाल जी को जो है कि हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, परमात्मा उनके उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और आज बहुत सारे लोग जो है कि एक कलाकार को जो है कि यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए और ऐसे मौके पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मेरा एक ही वो है कि इतने लोग जब इस उसमें इकट्ठे हो सकते हैं, अगर उन परेशानियों में, क्योंकि मैंने विकास उनियाल जी को देखा, उनको संघर्ष में देखा, उनकी वो परेशानियाँ देखी, अगर उस मुहिम में इकट्ठे हो जाते तो शायद कुछ हम कुछ और कर पाते। दूसरी बात जो हम डिमांड कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिन समस्याओं को आज से नहीं देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जब किसी पे कोई परेशानी आती है तब उसको तत्काल कोई सहायता हो, कोई ऐसा वो हो कि किसी के लिए भी। अब गीता जी का तो बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बड़ी कलाकार थी, इतने लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं उत्तराखंड की। ये गीता का जो आज श्रद्धांजलि सभा हुई है, क्योंकि गीता एक अध्याय में ख़त्म नहीं होती, जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं, इस प्रकार इससे जो है कि प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाले कलाकारों पर इस प्रकार की विपत्ति आए इससे पहले मुझे लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से इनके विभागों में सिस्टम बन जाना चाहिए। गीता से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि वो ऐसी कलाकार थी जो अपने व्यवहार से सबके दिलों में जगह बनाई उसने, और एक हंसती खेलती रहती थी और बिल्कुल सिंपल लड़की थी। उसकी ये यादें जीवन भर बनी रहेंगी। जो आया उसने जाना तो ज़रूर है, लेकिन ये कि एक उम्र होती है कुछ, बहुत जल्दी उसका जाना हुआ, भगवान को बहुत जल्दी वो प्यारी हो गई और अपनी लड़ाई से जिस तरह वो जूझी और उस बहुत जो दर्दनाक एक कैंसर उसको जो था उससे बहुत जूझ रही थी, और वहाँ पे उसने मोटिवेशनल वीडियो बनाती थी वहाँ पे हॉस्पिटल में भी कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ, सैकड़ों लोगों को बीमारियाँ हैं लेकिन अपने उससे जूझना लड़ना चाहिए, अपनी खुश रहना चाहिए, जो लिखा है भगवान ने वो तो होना ही है। इस तरह उसने अपने आप को प्रूव कराया गीता ने कि वो बहुत ही एक उच्च विचारक लड़की थी। तो बहुत बड़ी क्षति हमारी इंडस्ट्री को, एक ऐसी लड़की को हमने खो दिया, और दुख हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे उसके हैं छूट गए हैं, अभी 10 साल के और 3 साल के एक लड़की है, और विकास उसका जो पति है उसने भी पूरा उसको ऐसा निर्वाह किया अपने जो फर्ज को, लगातार जो भी बहुत धन का अभाव भी होता है क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन कोशिश करी उसने और सभी लोगों ने
सहयोग किया, साथ दिया, लेकिन साथ देने का क्या फ़ायदा हुआ कि आखिर वो छोड़ के चले गई। तो बस परमात्मा से ये चरणबंधन करता हूँ कि बस उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार वालों को जो इस दुख घड़ी में बस शक्ति दे। ओम शांति। ओम शांति। चलिए ओम शांति।